हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग इक्वेशन पर एक सिंपल न्यूमेरिकल किया था। अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं जो बेस है टी सेक्शन पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टू वुडन प्लैंक्स 150 mm by 50 mm ईच आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ टी सेक्शन, यानी दो लकड़ी के ब्लॉक हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के जिनको आपस में जोड़ करके एक टी सेक्शन बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है इफ अ मोमेंट ऑफ 3.4 kN दिया हुआ है। मोमेंट की वैल्यू इस बीम में कितना मोमेंट है अप्लाई किया हुआ है, m इज इक्वल टू हमें गिवन है 3.4 kN into meter। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन इंटू मीटर में, क्योंकि हमें पता है 1 kN में 1000 N होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इंड्यूसिंग ए टेंसाइल बिलो द न्यूट्रल एक्सिस फाइंड द स्ट्रेसेस एट द एक्सट्रीम फाइबर। हमें इस सेक्शन के एक्सट्रीम फाइबर पर यानी सबसे ऊपर और सबसे नीचे स्ट्रेस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इसमें मोमेंट लगा हुआ है तो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। तो हम अप्लाई करेंगे बेंडिंग इक्वेशन जो है एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। ओके, इसमें हमें एम क्या है हमें पता होना चाहिए। एम है बेंडिंग मोमेंट, आई क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्सिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस और वाई है न्यूट्रल एक्सिस से लेयर की दूरी, उस लेयर की दूरी जहां पर आप कैलकुलेट कर रहे हो स्ट्रेस। अगर मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हो तो सबसे ऊपर वाले लेयर की दूरी हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, तो हमें एक्सट्रीम फाइबर पर यहाँ और यहाँ पर स्ट्रेस हमें बताना है, तो हमें इसकी न्यूट्रल एक्सिस भी पता होनी चाहिए। इस क्रॉस सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होगी ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, सपोज़ इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो यहाँ पर है और न्यूट्रल एक्सिस जाती है सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो इसका ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा जी। ये जो जी है इसी की हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता लग जाएगा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है। जब हम इसमें वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं दोनों साइड क्या है, सिमेट्रिक है, तो हमें पता है जो नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो वाई एक्सिस पर ही होगा, लेकिन हाइट कितनी होगी यानी अगर आप रेफरेंस यहाँ पर मान रहे हो बॉटम पर तो नीचे से कितनी दूरी पर होगा, या ऊपर से अगर आप मान रहे हो तो ऊपर से कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, तो हम एक रेफरेंस लाइन यहाँ पर मान लेते हैं जिससे हमें इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, और ये दूरी कहलाती है y बार या y। ठीक है, तो हमें ये दूरी ही फाइंड आउट करनी है। ये दूरी अगर हमारे पास होगी तो हम यहाँ बेंडिंग इक्वेशन में यहाँ पर पुट करके नीचे और यहाँ सबसे ऊपर स्ट्रेस निकाल देंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चैप्टर से हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है सिग्मा ए वाई अपॉन सिग्मा ए, इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ए वन वाई वन ए टू वाई टू अपॉन ए वन प्लस ए टू। A1 और A2 क्या है, एरिया है रेक्टेंगल 1 का A1, A2 है रेक्टेंगल 2 का एरिया। आप मान लो इसको ये 1 रेक्टेंगल है और ये मान लेते हैं रेक्टेंगल नंबर 2 है। इनका ये जो पहला रेक्टेंगल है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, हमें पता है रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में होता है, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको मान लेते हैं G1, और इस वाले रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसके मिडिल में होगा, ये मान लेते हैं यहाँ पर G2 है। ओके, रेफरेंस लाइन से G2 की जो दूरी है ये Y2 होगी और रेफरेंस लाइन से G1 की जो दूरी है वो कहलाएगी Y1। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 कैलकुलेट करते हैं, ये होगा 150 × 50 जो होगा 7500 mm² क्योंकि दोनों का साइज जो रेक्टेंगल 1 और 2 है दोनों का साइज सेम है, तो इसका भी एरिया उतना ही हो जाएगा। Y1 कितना होगा, Y1 की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये और प्लस ये दूरी, ये जो इतनी डिस्टेंस है ये 50 का हाफ है और ये इतनी दूरी कितनी है ये दी हुई है हमें 150, यानी ये होगा 150 प्लस
25, 50 का हाफ मींस 175 मिलीमीटर। वाई टू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, वाई टू क्या होगा, क्योंकि ये जो जी टू है ये इतनी दूरी के मिडिल में है, तो इसलिए यहाँ पर 150 का हाफ यानी 75 मिलीमीटर। सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करोगे तो वाई बार इज इक्वल टू ए वन है 7500, क्योंकि ए वन और ए टू दोनों यहाँ पर क्या है, सेम है, तो मैं इसको बाहर कॉमन ले लेता हूँ। वाई वन है 175, वाई टू है 75 अपॉन में ए वन प्लस ए टू, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो मैं यहाँ 2 × 7500 कर लेता हूँ। यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ये होगा 250 का हाफ 125 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो ये 0.125 मीटर हो जाएगा। तो ये दूरी हमारे पास जो नीचे वाली दूरी है ये आ गई 0.125 मीटर। आप ये ऊपर वाली डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो ईजिली। कैसे करें, 150 और 50 200 में से ये 125 माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना, 75 मिलीमीटर में 75 और मीटर में 0.075। ओके, तो ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास आ गई हैं। अब हमारा जो दूसरा काम है वो है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर फ्रेंड्स अगर हमें यहाँ रेक्टेंगुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते बी डी क्यूब अपॉन 12। लेकिन यहाँ पर ये टी सेक्शन है, एक अनसिमेट्रिक सेक्शन है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो हम इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी न्यूट्रल एक्सिस पर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर हेल्प लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई आपके पास सेक्शन है जिसका आपको उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी h है। तो जो नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके एरिया और पैरेलल एक्सिस के बीच की जो दूरी है उनके स्क्वायर के मल्टीपल के सम के बराबर होगा। ये कहती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक बार और सुन लो, किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एरिया का जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक्सिस के पैरेलल है, उसके अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उसके एरिया और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी के स्क्वायर के मल्टीपल के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एरिया का, तो हम यहाँ पर ये वाली थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आई जी वन, क्योंकि वन माना है रेक्टेंगल, प्लस ए वन एच वन का स्क्वायर प्लस अब इस दूसरे रेक्टेंगल का भी चाहिए तो आई जी टू प्लस ए टू एच टू का स्क्वायर। आई जी वन क्या होगा, ये जो ये एक्सिस है रेक्टेंगल वन की, इसका अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम यहाँ पर बी डी क्यूब फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ फ्रेंड्स। बी डी क्यूब, बी की वैल्यू कितनी है 150, डी की वैल्यू कितनी है 50 की पावर 3 अपॉन 12। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से है, आई एक्सएस और आई वाई वाई का, ठीक है। नाउ प्लस ए वन आपने कैलकुलेट किया हुआ है 7500 इंटू एच वन क्या है, अभी मैंने बताया पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली न्यूट्रल एक्सिस रेक्टेंगल वन की, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये है एच वन। ये दूरी क्या होगी अगर आप वाई वन में से, ध्यान से देखना, वाई वन में से अगर वाई बार माइनस करेंगे तो ये बीच की दूरी बचेगी, वाई वन माइनस वाई बार तो ये बीच की दूरी बचेगी। तो हम वाई वन में से वाई बार माइनस कर देते हैं, वाई वन कितना था हमारे पास, वाई वन है 175 और वाई बार है 125, तो 175 माइनस 125 कितना होगा, 50 होगा। प्लस आई जी टू, रेक्टेंगल टू के लिए बी होगा 50 और डी होगा 150, बी गुणा 150 की पावर 3 पौन 12 और प्लस
ए टू 7500 इंटू एच टू का स्क्वायर। एच टू कितना होगा फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एच टू है, दूसरे रेक्टेंगल की न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस और पहले जो मेन न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ तक की दूरी है एच टू। इस एच टू की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वाई बार में से वाई टू माइनस करेंगे, वाई बार की वैल्यू है 125, वाई टू की वैल्यू है 75, तो 125 में से 75 माइनस होंगे तो कितने बचेगा, 50 बचेगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आएगा 5312.5 इंटू 10^4 mm^4। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 5312.5 इंटू 10^4 इंटू मिलीमीटर की पावर 4 है, 1 मिलीमीटर में 10^-3 मीटर होते हैं, पावर 4 करेंगे तो 10^-12 होगा, तो यहाँ पर ये चार पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, 5312.5 इंटू 10^-8 m^4। सो अब हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी आ गया है, वाई बार यानी वाई भी आ गया है, तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहली कंडीशन में जो सबसे बॉटम वाला पॉइंट है यानी एक्सट्रीम फाइबर है, यहाँ पर हम स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक है, स्ट्रेस एट बॉटम, ठीक है। तो इसके लिए एम की वैल्यू हमारे पास है 3.4 इंटू 10^3, ठीक है, एम की वैल्यू पुट करते हैं 3.4 इंटू 10^3 अपॉन आई, आई की वैल्यू आपने निकाली अभी 5312.5 इंटू 10^-8 सिग्मा की वैल्यू हमें बतानी है अपॉन वाई। देखो वाई क्योंकि आप बॉटम पर कैलकुलेट कर रहे हो तो वाई क्या होगा, वाई होगा न्यूट्रल एक्सिस से ये नीचे की दूरी जो है हमारे पास 0.125। सिग्मा एक साइड कर लेते हैं, बाकी टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, 3.4 10^3 इंटू 0.125 अपॉन 5312.5 इंटू 10^-8। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आएगा 8 इंटू 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपने बॉटम पर स्ट्रेस कैलकुलेट किया, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा ये जो मोमेंट था ये दिया हुआ था कि ये मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंसाइल डेवलप करता है जबकि ऊपर कॉम्प्रेसिव, तो ये जो स्ट्रेस होगा वो कैसा होगा फ्रेंड्स, ये स्ट्रेस होगा टेंसाइल, ठीक है। कभी कभी हमसे इंटेंसिटी भी पूछ लेता है कि इंटेंसिटी क्या होगी और वैल्यू भी पूछ लेता है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस एट टॉप, टॉप पर स्ट्रेस कितना होगा, तो सभी वैल्यू सेम होगी, सिग्मा इज इक्वल टू मोमेंट सेम होगा 3.4 इंटू 10^3, ओनली वाई चेंज हो जाएगा, वाई यहाँ पर कितना होगा, वाई ये दूरी होगी इस बार क्योंकि टॉप पर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो वाई ये होगा, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है 0.075 अपॉन आई, आई है हमारे पास 5312.5 इंटू 10^-8। ओके, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 4.8 इंटू 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी इंटेंसिटी कैसी होगी फ्रेंड्स, ये होगा कॉम्प्रेसिव। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।